हिंदुस्तान के प्रोपेगंडा गुरु राहुल गांधी की एक बार फिर से पोल खुल गई है। अडानी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम झटका लगा है। रफेल पेगासस के बाद नोटबंदी मामले में भी राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रोपेगंडा फैलाने की कोशिश की थी और वहां पर भी वो बेनकाब हुए थे। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी मामले में झूठ फैलाकर मोदी सरकार को घेरने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी इससे पहले राफेल, पेगासस, नोटबंदी, गुजरात दंगा, जस्टिस लोया की मौत मामले पर देश को गुमराह कर चुके हैं और कई बार देश से माफी भी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगी है और कहा है, हुजूर मिलॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बाहर निकल कर आकर बोलते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी और विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही कई दिनों तक स्थगित रही थी। राहुल के ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए और उन्हें हर बार शर्मसार होना पड़ा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपने विचार और सुझाव दे करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और राहुल गांधी का असली सच लोगों तक पहुंचाते रहें। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से बाद पूरी की पूरी हलचल मच चुकी है। राहुल गांधी खेमे में ऐसा लग रहा है कि जहां वो कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह का जो मजमा था, वो मजमा पूरी तरह से फीका पर गया और वहां पर क्या कुछ हुआ आप सबने देखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह की कंपनियों में गैर कानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं। साथ ही संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार कमेटी ने यह भी कहा है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह में खुदरा निवेश बढ़ा है और समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों को राहत देने की कोशिश भी की थी। कमेटी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शॉर्ट सेलरों को मुनाफा कमाया है और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने इसके जांच के लिए जाने की सिफारिश की है। अब समझ रहे हैं आपकी खेल क्या हो गया है। जहां हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के जरिए शॉर्ट सेलर्स को मुनाफा कमाया और अब उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने अब हिंडनबर्ग ने जो कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको ही उल्टी तौर पर उस पर जांच बिठाने का काम कर दिया है, क्योंकि शॉर्ट सेलर का गेम तो हिंडनबर्ग ही खेलता है। हिंडनबर्ग का मेन काम ही शॉर्ट सेलिंग करके लोगों को मुनाफा कमाना और दलाली खाना, और हिंडनबर्ग जितना बड़ा दलाल है उसने दुनिया में कई कंपनियों को और कई देशों को इस तरह से धत बुलवाया था। वही साजिश भारत में भी हो रही थी और उसमें भारत के राहुल गांधी उसमें बड़े जोर शोर से मिलकर उसके साथ ढिंढोरा पीट रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर भी काफी हो हल्ला मचाया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, सपा के अध्यक्ष और अखिलेश यादव समेत कभी विपक्षी नेता जो हैं सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने बिना किसी आधार के ही इसे लगातार असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम लगातार दलील देते रहे, लेकिन शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने जस्टिस एस
अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एम ए बोपन्ना और जस्टिस वी सरासा सुब्रमण्यम ने 258 पेज के संयुक्त फैसले में कहा कि किसी भी फैसले के सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते कि वो सरकार ने लिया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और सरकार के बीच 6 महीने तक मंथन हुआ था। यहाँ तक कि संविधान भी केंद्र सरकार की नोटबंदी का अधिकार देता है, सरकार को इससे रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 से पहले भी 2 सरकारों ने नोटबंदी के अधिकार का इस्तेमाल किया है, ऐसे में अब इसे गलत कैसे ठहराया जा सकता है। वैसे भी आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता है। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट याचिका दायर करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ भी यहां पर जांच कब की गई। गुजरात 2002 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में विपक्ष के बीते 2 दशकों से पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल खड़ा करता रहा था। मनगढ़ंत आरोपों से पहले सीएम और पीएम बने प्रेम नरेंद्र मोदी को घेरने की खारी कोशिशें विफल साबित हुई है। इस मामले में गठित एसआईटी ने जब पीएम मोदी को क्लीन चिट दी तो यह मामला शीर्ष अदालत पहुंचा। शीर्ष अदालत में भी न सिर्फ क्लीन चिट सही ठहराया बल्कि याचिका दायर करने वाले कुछ हस्तियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। बाद में इस मामले के कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो पूर्व सांसद कहते हैं, राहुल गांधी कई बार फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के अन्य नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोपों को बाद में यह मामला भी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया था। हालांकि जब यह मामला शीर्ष अदालत पहुंचा तो झूठे आरोप लगाने वालों को कोर्ट की फटकार ही झेलनी पड़ी थी। साल 2019 के अंत में आए फैसले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि सौदे की प्रक्रिया में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी खामी नहीं है और मोदी सरकार ने बिल्कुल पाक साफ खरीद की है और वायुसेना ऐसे विमानों की जरूरत है। मोटे तौर पर सौदे की में पूरी खरीद प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से सही थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इजरायली पेगासिस के जरिए जासूसी का आरोप भी लगाया था, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी रमण ने अगुवाई वाली पीठ ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दिया था। पीठ ने कहा था कि जिन 29 मोबाइल की जांच हुई उनमें से 5 में मालवेयर पाया गया। इससे साबित नहीं होता कि पेगासस स्पाईवेयर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगाने वाले लोग खुद अपने मोबाइल की जांच के लिए नहीं दिया उन्होंने। इसी तरह महाराष्ट्र की निचली अदालत के जज रहे जस्टिस बी एल लोया ने मौत के मामले में मोदी सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर निशाने पर रहे थे, लेकिन 2018 में शीर्ष अदालत ने पीठ की जस्टिस लोया की मौत को सामान्य मौत माना और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की याचिका को खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि इस मामले में 4 जजों के बयानों को संदेह के का कोई कारण नहीं है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के पूर्व सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को मुद्दे भी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर भी मोदी सरकार को फैसले को उचित ठहराया था। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में कुर्की व गिरफ्तारी करने के अधिकार को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ईडी ने सियासी इस्तेमाल करने के लिए उसे ऐसे अधिकार दिए गए। हालांकि शीर्ष अदालत ने ऐसे मामले भी हैं जो मोदी सरकार के फैसलों को बिल्कुल सही ठहराया और विपक्ष में एक बार फिर मौकी खानी पड़ी। हमारे दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।